प्रणाम जी। शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं। बांग्ला जी के चबूतरे की शोभा, इन शोभा को आज पुनः देखने का प्रयास करते हैं। आप शेरा जी, श्री श्यामा जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं रंग महल। रंग महल की उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आते हैं, जहां पर पुखराज पहाड़ स्थित है। पुखराज पहाड़ के चबूतरे की पूर्व की ओर चलते हैं तो वहां देखेंगे पुखराज के पूर्व में बंगला जी के चबूतरे की शोभाई है। पुखराज के चबूतरे के समान ही ऊंचा, दोनों को चबूतरों को जोड़ने के लिए मध्य कुंड की शोभाई है। 200 कोस में कुंड, इस शोभा को विस्तार से देखते हैं। घेर कर रोसों की शोभा। पुखराज पहाड़ से बंगला जी की ओर चलना है तो इन कुंड से होते हुए बंगला के चबूतरे पर आ सकते हैं। जब इन कुंड से गुजर रहे हैं तो देखेंगे इन कुंड में बंगलों की छठी चांदी से जल धाराओं के रूप में इन कुंड में गिर रहा है। रंगों नगों से प्रतिबिंबित होता हुआ अत्यंत नूरी निर्मल शीतल जल की धाराएं सुगंधित जल नूरमयी शोभा लिए धाराओं के रूप में गिरता जल जल गिरने की मधुर आवाज रोज से रू गुजर रही है उनके ऊपर जल की बूंदियां। कुंड पार करके बंगला जी की चबूतरे पर आ पहुंचे। तो शोभा देखते हैं धनी की मेल से बंगला जी का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा सम चौरस बराबर आया है। हर दिशा में 250-250 हांस आए हैं। हांस हांस की संध में गोल गुर्जों की शोभा आई है। गोलगुर्ज इनके दोनों ओर से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आई तो यहां देखिए नक्शे में हरे रंग में रोंस चारों दिशाओं में दिखा रखी है। तो सीढ़ियां चढ़ते ही ऊपर आएंगे तो 400 कोस की रोंस घेर कर चारों दिशाओं में आई है। अत्यंत ही नूरमयी अति सुंदर नूरी शोभा लिए रोंस स्थान स्थान पर सुंदर बैठकों की शोभा। वनों की तरफ देखते हैं तो सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेड़ा, इन कठेड़े से लगकर बाहर की ओर देखते हैं तो भूम पर नीचे पुखराजी रोंस की शोभा, जिन पे बड़ो वन के वृक्षों की दो हारे आई हैं, जिनकी दो भूम तीसरी चांदनी आई है। रोंस के भीती तरफ देखेंगे, ये देखिए इसमें 5 निशान दिखा रखे हैं काले रंग के, ये वृक्षों के निशान है। वृक्षों की 5 हारे चारों दिशाओं में घूमी है, घेर कर आई है 1000 हांसों में 1000 हारे। वृक्षों की हारे बड़ो वन के वृक्ष, जिनकी एक ही भूमि में पुखराज की 5 भूमि समाई है। सुंदर नूरी तने वृक्षों ने जहां मेहरान किया मेहराब रूप में, वहां पे हिंडोलों की शोभा। वृक्षों के हारों में से जब चल रहे हैं, वृक्षों की हारे जब पार कर रहे हैं 5, उनके मध्य 4 चौक बने। 4 वृक्षों के मध्य बना चौक, ऊपर छत की ओर देखेंगे तो हर चौक की शोभा पहले से न्यारी कि ये शोभा तो पहले से भी सरस है। हिंडोलों की शोभा, आप शेरा जी, श्री श्यामा जी के संग और सखियों के संग
जब इन हिंडोलों में झूलने की इच्छा होती है तो मेहराबों से छत से लगे हिंडोले नीचे आ जाते हैं। रूहें जब इन हिंडोलों पर झूलती हैं तो अति मनोरम समा सुगंधी के पोर और छठी चांदनी से कुंड में गिरती जल की धाराओं का अति मनोरम दृश्य भीतर की ओर देखेंगे तो इन वनों के भीतर की ओर पांच हार जो बड़वन के वृक्ष आए हैं इनके भीतर की ओर चार हारे फीलपाइयों की आई हैं, जिनके सिरों पर हाथी गैंडे चीते आदि के मुख आए हैं जिनसे जल की धाराएं छूट रही हैं और भीतर चह बच्चों में पड़ रही हैं। तो अति मनोरम दृश्य बड़ोवन की हारे पार की तो चार हारे फीलपाइयों की पार कर रहे हैं जिनके अभी देखा कि इनके सिरों में हाथी गैंडे के मुख बने हैं जिनके मुखों से जल की धाराएं भीतरी जो बड़ोवन के वृक्षों की पांच हारे आई हैं उनकी मेहराबों के तले से होते हुए मध्य चवच्चों में पड़ रही हैं। घेर कर आई चार हारे फीलपाइयों की पार करी, ये देखिए चार डॉट्स चारों दिशाओं में इन हारों को पार किया। पुनः देखेंगे पांच हारे बड़ोवन की वृक्षों की, इन वृक्षों में जब झूला झूलते हैं आप धनी शेरा जी के संग श्री श्यामा जी के संग तो अद्भुत शोभा, आप मुख ऊपर उठाइए तो आपके ऊपर से जल की अनगिनत धाराएं जो फीलपाइयों के मुखों से जल छूटा वो आपके सिर के ऊपर से होता हुआ भीतर चह बच्चों में समाता है। बड़वन की पांच हारों की भीतरी शोभा देखी तो 400 कोस की हरे रंग में जो दिखा रखी है रोंस की शोभा, इन रोंस से कमर भर नीची 100 कोस की रोंस ये पीले रंग में घेर कर आई है। नीले रंग में जो निशान दिखा रखा है ये नहरों का निशान है, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने, उन चौक में फूम भर ऊंचे चबूतरे बने उठे। क्रमशः बंगला चबच्चा बंगला चबच्चा की शोभा आई है, चार बंगलों के मध्य एक चबच्ची की, चार चबच्चों के मध्य एक बंगला की शोभा आई है। इन शोभा को आगे विस्तार से देखते हैं और पूर्व दिशा में देखेंगे। अभी देखा था पांच हारे बड़ोवन के वृक्षों की, चार हारे फीलपाइयों की, फिर पांच हारे बड़ोवन के वृक्षों की, कुल 14 हार हुई। तो पूर्व में देखेंगे ये जो मध्य बंगलोर चह बच्चों की जगह आई है उसके पूर्व में लगकर 8 थंबों की 14 हारे आई, 8 थंबों के मध्य 7 दहलानों की शोभा हुई जिनमें 4 में नहरों की और 3 में सुंदर बैठकों की शोभा हुई। इस तरह से बंगला के चबूतरे की शोभा हुई, बंगला के चबूतरे में ठीक मध्य में शोभा देखी बंगले और चह बच्चे की, उन शोभा को विस्तार से देखते हैं। पहले नहर की शोभा देखते हैं, 25 मंदिर में नहर की शोभा हुई, नहर के मध्य भाग में सुंदर नोरमई पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां दाएं बाएं रोसों की शोभा हुई, 50-50 मंदिर की जगह में जिसमें ठीक मध्य में मध्य के तीसरे हिस्से में एक भूम के महलों की शोभा हुई और दाएं बाएं रोसों की शोभा हुई, इन रोसों के पुने 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक मध्य में रोस और ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसों की शोभा हुई। इस तरह से नहर की शोभा आती है। ऐसे ही एक चैबच्चे की शोभा देखते हैं, आड़ी खड़ी नहरें कटने से जहां चैबच्चे बनते हैं, चैबच्चे को घेर कर रोंस, रोंस के 3 हिस्से हुए, मध्य हिस्से में एक भूम की मोहल आती, दाएं बाएं के रोसों के 3 हिस्से हुए, पुनः मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोसों की शोभा। अब शोभा देखते हैं जो 48 के 48 साल भूम पर ऊंचे चबूतरे उठे जिन पर क्रमशः एक बंगला एक चह बच्चे की शोभा आई है, उन शोभा को विस्तार से देखते हैं। 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, चारों दिशाओं में चारों कोनों में नहरों की शोभा,
नहरों के दोनों ओर पाल पर एक भूम के मोहलातों की शोभा 1600 कोस के लंबे चौड़े चौक के ठीक मध्य भाग में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर गई। चारों दिशाओं में चारों कोनों में वनों की शोभा है। इन वन की 5 भूम तो चबूतरे के साथ हुई और 25 भूमें और उठी। वनों की जो भूमें आई हैं छोटी आई हैं। अब भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो 100 मंदिर की घेर कर चैबच्चे की रोंस हो गई और ठीक मध्य 600 मंदिर की जगह में चैबच्चे की जगह। चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और चैबच्चे से उठते बेशुमार फुहारे। ये तो चैबच्चे की शोभा हुई। अब एक बंगले की शोभा देखते हैं। सोलह सौ मंदिर का लंबा चौड़ा चौक चारों दिशाओं में नहरों की शोभा, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा। मैंने जैसे अभी चबच्चे की शोभा में देखा था, ऐसे ही बंगले के भी चारों दिशाओं में शोभा आई है। ठीक मध्य में भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में और चारों कोनों में वनों की शोभा हुई, जैसे शोभा पहले देखी। भूमबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर चढ़ के आएंगे तो 100 कोस की रोज भूमि है। इन रोज की बाहरी किनार पर थंबू की हार आई है। ये भूमि बड़ी आई है। इनकी एक ही भूमि में जो भीतर मंदिर आए हैं उनकी 5 भूमि समा जाती है। भूम दर भूम इनकी 5 भूमि आई। भीतर आते हैं तो घेर कर मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं में दरवाजे और मंदिरों की हार। बाहर वाले थंबों की एक भूम पड़ेगी तो इन मंदिरों की 5 भूमें आएंगी। इन मंदिरों की 25 भूमें हुई और बाहर वाले जो थंबों की हारे हैं उनकी 5 भूमें। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों की शोभा। भीतर जाते हैं तो एक गली थंब की हार। इन थंबों ने भूम दर भूम इन मंदिरों से मिलान किया है। ठीक बद्दे में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थंब। इन चबूतरे की छत खुली आई है जब तक बंगला जी की 25 भूमें कंप्लीट नहीं हो जाती। भूम दर भूम कर जो चारों दिशाओं के मंदिर हैं, थंब हैं, भीती तरफ के, इनकी भूम दर भूम 25 भूमें आई हैं। मध्य चबूतरे पर छत नहीं आती। इन बंगले की जब छत आती है तभी ये चबूतरा ठपता है। तो भूम दर भूम 25 भूमों से मंदिरों से निकलकर थंबों की हारों के मध्य कठेड़े से लगकर खूब खुशहालियां चबूतरे पर विराजमान आप शेराज जी, श्री श्यामा जी और सखियों के दर्शन करती हैं। अब इन बंगले की चांदनी की पर आते हैं। बंगले की चांदनी की शोभा को देखते हैं। बंगले की शोभा का एक अन्य दृश्य 800 मंदिर का भूमबर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, चारों दिशाओं में चारों कोनों में बगीचों की शोभा। चबूतरे के किनार पर थंबों की हारे जिनकी 5 भूम आई हैं, 100 मंदिर की रोंस, मंदिरों की एक हार। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों की शोभा। इन मंदिरों की भूम दर भूम 25 भूमें आई हैं। भीतर थंबों की हारे एक गली थंब की हार। इन थंब की हार ने भूम दर भूम इन मंदिरों से मिलान करते हुए 25 भूम डाली है। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर भी थंब आए हैं। इन थंबों की 5 भूमें आई हैं। तो भूम दर भूम मंदिर और भित्ती जो थंब की हार है इन पर छत आती है 25 भूम तक। चबूतरा खुला रहता है।
जब बंगले की 25 भोम 26 ही चांदनी होती है तभी ये चबूतरा ढकता है, तो भोम दर भोम 20-25 भोमे जो हैं इन मंदिरों में निवास करने वाली खूब कुशालियां मंदिरों से निकलकर दहलान की कठे रोजगार लगकर आप शेरा जी श्री श्यामा जी के दर्शन करती हैं। अब इनकी चांदनी पर आते हैं, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनमें चारों कोनों पर थम ऊपर द्योरी की शोभा हुई। यहाँ पर एक अद्भुत शोभा है कि जो चारों कोनों के ये जो चबच्चे आए हैं, इन चबच्चों का जल मेहराब बना के इन बंगले की चांदनी के ऊपर जो देहोरी आई है उनकी नोक से छूता है, तो एक अद्भुत शोभा 48 के 48 हार बंगले और चबच्चे उनकी चारों दिशा चारों कोनों में आई वनों की शोभा भोम दर भोम बंगलों से मिलान करते ये वन आए। चबच्चों से उठते फुहारे और बंगले की चांदनी पर जो देहुरी आई है उसके कलर से चारों कोनों की चबच्ची मेहराब रूप में उठकर उन देहुरी को स्पर्श करते हैं, तो एक अद्भुत समा, अति सुंदर अद्भुत समा। अभी देखा 48 के 48 साल बंगले और चबच्चों की शोभाई है, चार चबच्चों के मध्य एक बंगले की और चार बंगलों के मध्य एक चबच्ची की, क्रमशः बंगला चबच्चा आया है। चबच्चे का खड़ा दृश्य देखिए, भोम बर ऊंचा चबूतरा, भोम बर की उतरती सीढ़ियां चढ़कर आई तो पाल पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा, ठीक मध्य में चबच्चा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर कठेड़े की शोभा, चारों दिशा और चारों कोनों में वनों की शोभा। बंगले का खड़ा दृश्य, पीले रंग में भोंबर ऊंचा चबूतरा, भोंबर की सीढ़ियां उतरती हुई लाल रंग में, चबूतरे पर चढ़कर आए तो सो मंदिर की परिक्रमा, किनार पर थंबों की हारे जिनकी भोम दर भोम 5 भोमे आई हैं। रोज के भीतरी तरफ मंदिरों की हार घूमी है, चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों की शोभा इन मंदिरों की 25 भोमे आई हैं। बाहर वाली जो 5 भोमे आई हैं, एक एक भोम में इन मंदिरों की 5-5 भोमे समाई हैं। भीतर की शोभा आगे देखते हैं, छत पर देखेंगे देहोरी और देहोरी की नोक को छूते फुहारों की शोभा, चारों कोनों के जो फुहारे हैं मेहराब रूप में देहोरी को छूते हुए। मंदिरों से भीतर आए तो एक गली थम की हार, इन थंबों की हारों ने भोम दर भोम मंदिरों से मिलान किया है, पुनः एक गली ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब आए, इनकी भूमि जो चबूतरे की किनार पर भारी थंबाए थे उनके समान 5 भूमि आई हैं। मंदिरों की हार और उनके भीतर जो थंब की हार आई है इनकी भूम दर भूम 25 भूमि जाती हैं और जो चबूतरे पर थंबाए हैं इनकी 5 भूमि। जब सपूर्ण बंगले की एक छत पड़ती है तभी इन चबूतरे पर छत होती है, तो 25 भूमि से खूब खुशहालियां आकर आप शेरा जी श्री श्यामा जी के दर्शन कर सकती हैं। बड़ोवन के वृक्षों की हारे, फील पायों की हारे, बड़ोवन के वृक्षों की हारे, ठीक मध्य में बंगलों और चबच्चों और पूर्व दिशा में दहलान की शोभा।
बंगला के चबूतरे का संकुल दृश्य, बड़ो वन के वृक्षों की आरे, फील पायों की आरे, बड़ो वन के वृक्षों की आरे, ठीक मध्य में बंगलों और चह बच्चों और पूर्व दिशा में दहलाव की शोभा। इस तरह से बंगला की चबूतरे की पांच भूमि की ये शोभा हुई। इस तरह से बंगला की चबूतरे की पांच भूमि की ये शोभा हुई। छठी चांदनी की शोभा आगे देखने का प्रयास करेंगे। प्रणाम जी।